नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पे हमारे स्टूडियो में उपस्थित है जो है साउथ गुजरात पावर लिफ्टिंग के जनरल सेक्रेटरी तजुद्दीन सैयद जी। सर, आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। उनके बाजू में जो बैठे हुए हैं वो है मिस्टर अकबर शेख, आपका भी स्वागत करती हूँ। उनके बाजू में जो है वो है राहुल पटेल जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। और मेरे बाजू में जो बहुत ही अच्छी सुंदर महिला बैठी है उनका नाम है नाजिया शेख। नाजिया जी, आपका भी स्वागत है। और उनके बाजू में जो बैठे हुए हैं वो है फैजान पटेल जी। फैजान जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। इनको आज यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि ये हमारे सूरत का गौरव है और हमारे गुजरात का गौरव है। ये जो लोग हैं वो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं और कैसे जीत के आए हैं वो हम उन्हीं से ही सुनेंगे। लेकिन सर, पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप क्या करते हैं? मैं ओरो यूनिवर्सिटी में एज ए फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। जी सर, मैं ओरो यूनिवर्सिटी में एज ए इन फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। जी सर, मैं ये आपकी टीम से मतलब टीम ताज से जो पावर लिफ्टिंग के लिए जो भी लोग यहाँ सूरत से गुजरात से गए हैं और सूरत से मतलब जितने भी लोग गए थे, 9 लोग गए थे, उसमें से 8 लोग जीत के आए हैं, तो कैसे ये सब हुआ? ये हमारे गुजरात से सिलेक्शन हुआ था हमारी टीम का और उसमें हम लोग सब सिलेक्ट हुए थे। सिलेक्शन के बाद हमें दिल्ली खेलने जाने का मौका मिला इंडियन पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट एसोसिएशन में, और हमने वहाँ जाके काफ़ी मेहनत से गोल्ड मेडल हासिल किए। और जैसे अकबर भाई ने चैम्पियन चैम्पियन का खिताब हासिल किया और नाजिया मैडम ने चैम्पियन चैम्पियन का खिताब हासिल किया है, और हम लोग सब ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल के खिताब हासिल किए। जी सर, ये मतलब आप गए कैसे वो पहले बताइए, क्योंकि सबसे पहले ये होती कोई भी कंपटीशन रहती है, कुछ भी रहता है, तो उसमें कैसे आप जाते हो और कैसे जीत के आते हो वो हमारे दर्शकों को बताएंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को भी पता चले कि आप कैसे जाते हो, कैसे गए थे मिल्स जाने। मतलब हमें सबसे पहले कंपटीशन सूरत में खेलना पड़ता है। आफ્ટર સુરત સે અમે આ કાર્યક્રમમાં પધારેલ મહાનુભાવોએ પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું હતું કે અહીં એક જ મંડપમાં જ્ઞાતિ જાતિ સંપ્રદાય ભાષા પ્રાંતથી પર ઉઠીને દેશની એકતા અને અખંડિતતાના નવી દિશાના દર્શન કરાવ્યા છે। પિતા વિહોણી દીકરીઓને સુખી દાંપત્ય જીવનના શુભ આશીષ પાઠવી લગ્ન પવિત્ર બંધન સાથે બે આત્માઓના મિલન સાથે કુટુંબીજનો માટેનો અનોખો અવસર હોવાનું જણાવ્યું હતું। નોખા અને અનોખા આ લગ્ન સમારોહમાં સવાણી અને લખાણી પરિવારે જ્ઞાત જાત સંપ્રદાયને એક સાથે જોડીને દેશની અખંડિતતામાં નવી દિશાના દર્શન કરાવ્યા હતા। સંસ્કારી અને સમૃદ્ધ સામાજિક સંવેદના સાથે ચેતનાસભર સદભાવનાના વાતાવરણનું નિર્માણ કર્યું હતું। આજના આધુનિક સમયમાં દેશ માટે દિશા સૂચક છે। પિતા વિહોણી દીકરીઓ માટે પિતા તુલ્ય ભૂમિકા ભજવી હજારો દીકરીઓના રંગે ચંગે લગ્ન કરાવીને સાસરે વડાવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં યોજાયેલા સમારંભમાં રાજ્ય સરકારના મંત્રીઓ શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ ચુડાસમા, શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા, પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, માજી મંત્રી અને ભાજપ અગ્રણી શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, ભરતસિંહ પરમાર, સાંસદ દર્શનાબેન જરદોસ, ધારાસભ્યો કાંતિભાઈ બલર, કિરણભાઈ ઘોઘારી, વિનુભાઈ મોરડિયા, પુર્ણેશભાઈ મોદી, હર્ષભાઈ સંઘવી, જંખનાબેન પટેલ, મેયરશ્રી ડૉક્ટર જગદીશભાઈ પટેલ, સુરત કલેક્ટર ડૉક્ટર ધવલભાઈ પટેલ વગેરે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। और गुजरात के अंदर भी मैं चैंपियन एंड चैंपियन रहा, 170 की बेंच मारी थी, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली के लिए, जो हम लोग अभी जो खेल के आए और ये इनाम आपके सामने, तो वहाँ पे भी बहुत मेहनत की पूरी मेरी टीम ने। मतलब आप चैंपियन कैसे बने? चैंपियन इन लोग ही वैसे ही बना हूँ। मतलब आपने कितना केजी का जो मैं दिल्ली जैसे यहाँ सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाने के बाद में हम लोग ने लिप लिखाई पहली
जैसे लिखाते कि भाई अभी कैसा डिसाइड करना, तो हम सब लोगों का एक दूसरे से पूछ रहे कि भाई कितनी लगाना है कितनी लगाना है, तो ये सब लोगों के मोटिवेट से फिर मैंने एक लिखा और उसके बाद में वो लीप मैंने स्टार्ट की। और लीप के बाद में मैंने दूसरी जो फाइनल लीप थी 165 की वो मैंने मारी और उसके अंदर मैं चैंपियन चैंपियन बना। और उसके बाद में डेड लिप थी दूसरे दिन, तो डेड लिप भी मारा और डेड लिप के अंदर 235 किलो की मैंने डेड लिप करी और उसके अंदर भी चैंपियन चैंपियन बना जी। मतलब आपने कुछ रिकॉर्ड तोड़ा है ऐसा हाँ बोल सकते रिकॉर्ड हैं। तोड़ा है, बहुत सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। और लाइट वेट के अंदर मैंने 75 kg के अंदर 165 की बेंच लगाई है और 75 kg के अंदर डेड लिफ्ट 230 किलो की लगाई। सर आप उसमें क्या कहना चाहोगे, मतलब कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा वो आप बताइए ये सर। काफ़ी पुराना रिकॉर्ड था, इतने लाइट वेट के अंदर इतना हेवी लिफ्ट करना ये इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। बट ये काफ़ी सालों की मेहनत के वजह से ये इतना वेट अचीवमेंट किया है इन्होंने। और 165 का बेंच करके, 75 वेट कैटेगरी के अंदर 165 का बेंच करके इन्होंने ये रिकॉर्ड तकरीबन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स जैसा हो गया होगा। बहुत बहुत बधाई आपको थैंक और यू मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शुक्रिया शुक्रिया। यू। ये जो हमारे चैनल से के माध्यम से जो भी लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी आपके फील्ड के लोग हैं, उनको शायद आज कुछ प्रेरणा भी मिल जाएगी आपसे। सो थैंक यू सो मच। राहुल जी आपसे भी बात करना चाहूँगी, आपने भी गोल्ड मेडल जीता है तो हाँ मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आपने कैसे ये मेडल जीता है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। पहले तो मेरे सर को मैं बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूँ। इस सर की वजह से मैं 4 साल से खेल रहा था, पर 6 महीने में मैंने मिस्टर गुजरात में सिल्वर मेडल भी लाया और साउथ गुजरात में भी मैंने 3rd नंबर लाया। सर की वजह से मैंने आज 6 महीने में मेडल से मेडल, मेडल पे मेडल हारे, और गोल्ड मेडल तो मैंने सोचा भी नहीं था। आज सर की वजह से, बहुत बड़ा सर का सपोर्ट है, सर सर की वजह से मैंने आज गोल्ड मेडल लिया है। तो आपने मतलब कितने साल से आप इस फील्ड में हो। मैं तो 8-1 साल हो गए मेरे को, और 4 साल से मैं खेल रहा था, तब कुछ आ नहीं रहा था। आज सर ने, सर की टेक्निक से सर ने बहुत मेरे को सिखाया है, सर की सपोर्ट की वजह से बहुत सर ने मेरे पर बहुत मेहनत की है। तो मतलब आपने कितना मतलब पावर लिफ्टिंग किया था उस मैंने समय। बेंच प्रेस में 127 kg बेंच प्रेस मारी थी, और डेड लिफ्ट मैंने 210 तक मैंने डेडलिफ्ट मारी थी। आपको कैसा फील मतलब हो रहा है आज मेडल जीत के, आपको कैसा लग रहा है। पहली बात तो मेरे सर बहुत खुश थे। हाँ परिवार मेरे और दोस्तों मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरे जीजू है, बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी बहन ने बहुत पे किया था पर कि भाई मेरा भाई गोल्ड मेडल इस लाएगा, मेरी बहन का बहुत सपोर्ट है। जी, अभी आप क्या कर रहे हो। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ जिम में। खूबसूरत महिला जो है नाजिया शेख जी। नाजिया जी आपको भी बहुत बहुत बधाई थैंक यू और मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी चैंपियन थैंक ऑफ यू। चैंपियन बन के आई है, और एक महिला होने के नाते आपको कैसा फील हो रहा है। मैं तो पहले ताज टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सभी मेंबर का, और जो मेरे ताज सर है जो मेरे बड़े भाई की जगह पे है, उनका मुझे फुल सपोर्ट है, उनकी वजह से मैं आज चैंपियन ऑफ चैंपियन बनी। जी मतलब और आपने कैसे कितना लिफ्टिंग किया क्या मैं किया पहले वो साउथ बताइए। गुजरात पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन में सिलेक्ट हुई, वहाँ से फिर हम इंडियन पावर लिफ्टिंग में हमारा सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर मैंने 65 बॉडी वेट में 80 kg वेट लिफ्ट पुश किया और चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब हासिल किया। आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, और जो भी है मेरे ताज सर की वजह से आज मैं मेरे बड़े आपके परिवार में आपको कैसा फील हो रहा है। मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है, जी। उनकी वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। भाई है, मम्मी है, पापा है, हस्बैंड है, जी जो भी है। जी लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही है कि आपका जो मतलब स्टाइल्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी कम्युनिटी की हम बात करें तो आपकी कम्युनिटी में जो आपने ये जो चॉइस किया है पावर पावर लिफ्टिंग का, लिफ्टिंग हाँ सो वो मतलब कैसे किया, आपके घर से परिवार से आपको परमिशन मिली क्या।
नहीं मैम, पहले तो परमिशन नहीं थी, पर मुझे भी बहुत तकलीफों का सामना उठाना पड़ा, पर अभी फैमिली का फुल सपोर्ट है, कोई मसला नहीं है अभी। अभी कोई मसला नहीं है। नहीं, तो हमारी जो महिला ये है उनको आप क्या संदेश दोगी? महिला को मैं बोलूंगी आगे बढ़ो, अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसे आगे लाओ, और महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जी, और आपकी जो कम्युनिटी है उसको कुछ कहना चाहेगी? वो भी आगे बढ़े, पर अपनी बोलते ना महिला को अपनी मान मर्यादा में रहना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बात है, इम्पोर्टेंट। चाहे किसी भी नाती जाति के लोग हाँ, हो, जो लेकिन महिला को मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में रह के वो कुछ भी कुछ भी कर करे सकती उसमें है। कोई दिक्कत थैंक नहीं होती है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और फिर से आप और आगे बढ़े ऐसी मेरी शुभकामना है आपको। शुक्रिया शुक्रिया। जी, अभी हम बात करेंगे फैजान जी से। फैजान जी, आपने भी गोल्ड मेडल या जो भी जीत के आप पाए हैं उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और आप भी आपके बारे में पहले बताइए, फिर आपने कैसे ये मेडल जीता है वो बताइए सर। पहले तो मेरे सर ताज सर का शुक्रिया करूंगा, और टीम ताज अकबर भाई, नाजिया और राहुल भाई का शुक्रिया करूंगा, और मेरी फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरे को। और मैं काफ़ी टाइम से जिम तो कर ही रहा था, लेकिन परफेक्ट गाइडेंस नहीं था। तो 2 साल से लास्ट 2 साल से मेरे को सर का परफेक्ट गाइडेंस मिल रहा था, फिर भी मेरे को कॉम्पिटिशन खेलने का कोई चांस ही नहीं था कि मैं खेल पाऊंगा और मैं जीत पाऊंगा और आज ये लेवल तक पहुंचूंगा। लेकिन सर का मोटिवेट, सर की प्रैक्टिस, सर की टेक्निक से आज हम लोग इंडिया तक पहुंचे, और इंडिया तक पहुंचने के बाद ब्रॉन्ज मेडल लिया मैंने। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इतने कम टाइम में ब्रॉन्ज मेडल लाना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ब्रॉन्ज भी आएगा। तो बहुत सबका शुक्रिया करूंगा। और मैंने बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट खेला दिल्ली जाके, और अपना डेडलिफ्ट मैंने 75 अपना 60 की कैटेगरी में खेला था। मैंने 170 kg का डेडलिफ्ट किया, और बेंच प्रेस का 110 का। हाँ आपको ये मेडल मिला है, हाँ तो कितने मतलब अपने गुजरात से नहीं इंडिया से कितने लोग गए थे, और कैसे मतलब कितनों में से आपको मेडल मिला है? वहाँ नेशनल के लिए तो काफ़ी स्टेट के लोग आए थे, जैसे यूपी है, राजस्थान है, जम्मू है, एमपी है, फिर गुजरात की टीम में भी अहमदाबाद, बड़ौदा से आए थे। तो अब मेरे कैटेगरी में भी कम से कम 15 से 20 लोग खेलने वाले थे, उसमें 15 से 20 लोग में से 3rd प्लेस मेरा आया, और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि जब से आए तब से सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। सर केक कटिंग कर रहे हैं, हमारी टीम केक कटिंग कर रही है, फैमिली फ्रेंड सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैमिली आपकी क्या कह रही है आपको? फैमिली भी बहुत खुशी महसूस कर रही है। मेरी छोटी दो सिस्टर है, उन्होंने भी कल केक कटिंग किया। मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी केक कटिंग किया। अभी हमारी टीम का सेलिब्रेशन तो अभी भी बाकी है, क्योंकि फैमिली में से फ्री हो गए तो हमारे सेलिब्रेट करेंगे हम। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया हमारा सर है, फाइनेंशियली एज अ जिम से लेकर सब कुछ सपोर्ट उनका ही है। हाँ बस ऐसे सर भी सबको मिले, और परफेक्ट गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। गाइडेंस भी परफेक्ट मिले, सर भी अच्छे मिले, और जिस तरह से आप लोगों के साथ में मतलब जो फैमिली मेंबर होके आपके साथ जो ट्यूनिंग होती है, हाँ आप टीम मेंबर की भी होती है, क्योंकि टीम का सर तो अपने लिए मतलब आपको आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करते ही है, लेकिन आपका भी सपोर्ट रहना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है, और टीम है। वर्क रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी। और आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बस वही कि आप जिम जा रहे हो तो परफेक्टली जिम करो, टाइमिंग में परफेक्ट रहो, खाने पीने में, नींद सोने में, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और आपका जो ट्रेनर है उनकी गाइडेंस भी परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। काफ़ी बच्चे 10 साल से जिम जा रहे हैं, लेकिन आज गुजरात भी नहीं खेले, सूरत भी नहीं खेले, क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है ना। तो गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं भी 4 साल से चल रहा था, लेकिन मेरे पास सर नहीं थे, लास्ट 2 साल से सर आए, और आज 1 साल में मैंने अचीव किया। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं जो चैंपियन ऑफ चैंपियन बने हैं उनसे मैं वापस एक बार बात करना चाहूंगी। अकबर जी, आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? सब में पहले तो सुबह में जल्दी उठो और
वही सुबह से नियत करो कि वर्कआउट करनी है सुबह में उठते से, रात में सोच बना लो कि सुबह में उठ के वर्कआउट करना है, तो तुम्हारा रखा दिन जितना भी है 24 घंटे तुम्हारे अच्छे जाने वाले, क्योंकि तुम सुबह में वर्कआउट करोगे तो अखा दिन तुम्हारा फ्रेश जाएगा, तुम्हारा डाइजेस्ट बरोबर होगा, तो खाना वाना जो भी है सब अच्छे से जाएगा तुम्हारे, और अच्छे से अच्छा इम्प्रूव दिखेगा तुम्हारी बॉडी के अंदर। मगर तुम्हारे को वर्कआउट करने के लिए रात को सोच बनाना ज़रूरी है, और वर्कआउट से बहुत सारे फ़ायदे हैं, और उसके ज़रिए तुम अच्छे से अच्छा फिटनेस पा सकते हो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकते हो, आपका फिटनेस अच्छा रहो तो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब सभी लोगों को बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए या पावर लिफ्टिंग करना चाहिए, सिर्फ फिटनेस के लिए जाओ और अच्छे से अच्छा बॉडी बनाओ। बहुत ही अच्छी बात है। हमारे जो तजुद्दीन जी है उनसे मैं बात करना चाहूँगी। सर ये अभी आप इस फील्ड में हो इसलिए मैं कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि सबको ही अपने बॉडी बनानी है, सबको ही जिम जाना है और बहुत शॉर्ट टाइम में सब कुछ करना होता है, तो वो कितना मतलब मायने रखता है, वो सही है या गलत है? हाँ मैम, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि न्यू न्यू जनरेशन को आज तक यही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। एक तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि 1 महीना या 2 महीना या 1 साल के अंदर हम कुछ अचीवमेंट नहीं कर सकते, मसल्स की मैच्योरिटी होने में काफ़ी वक्त लगता है। जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में जाएंगे, सिक्स स्टैंडर्ड में जाएंगे, सेवन स्टैंडर्ड तक पहुंचेंगे, तब हम में वो एक अकल आती है, हमें वो होशियारी आती है कि हम पढ़ाई कर सकें, लिख सकें। सेम वही चीज़ हमारे मसल्स के साथ होती है, तो हमारे मसल्स के मैच्योरिटी आने में 2 साल 3 साल 4 साल लगते हैं मिनिमम। जब तक आपके अंदर बॉडी के अंदर मसल्स की मैच्योरिटी ना होगी, आप कोई चीज़ अचीवमेंट नहीं कर सकते। तो न्यू ट्रेडिशंस के अंदर बच्चों के अंदर ये गलत फहमी है कि किसी भी तरह के कोई सप्लीमेंटेशन मेडिसिन वगैरह लेके हम बॉडी फटाफट बना लेंगे, और ये ट्रेनर नए न्यू जमाने के जो ट्रेनर वगैरह है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बस टू अर्न मनी वो लोग इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठा लेते हैं। बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बच्चों को ये चीज़ समझना चाहिए कि वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, एवरीडे आपको जाना ज़रूरी है, बेहतर से बेहतर खाना ज़रूरी है, जंक फूड ना खाए, क्वांटिटी ना खाए, क्वालिटी खाए। खाने के अंदर आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप बेहतर से बेहतर फूड खाए, कम खाए चलेगा, बट वो बहुत अच्छा होना चाहिए। गंदा फूड अपने स्टमक में नहीं डालना, क्योंकि ये कोई कचरे का डब्बा नहीं है, ये हमारा स्टमक है, और मुंह के अंदर सब जो भी चीज़ जाने वाली है वो हमारे लिए सबसे परफेक्ट चीज़ होनी चाहिए। बस यही चीज़, परफेक्ट चीज़ लो, परफेक्ट खाना खाओ और अच्छे से अच्छा वर्कआउट करो, और कोई भी चीज़ के अचीवमेंट के लिए उसको थोड़ा वक्त दो। अगर शुरुआत में है तो आप मिनिमम आधा घंटा जाओ, फिर धीरे धीरे जैसे आपका मसल्स की मैच्योरिटी बढ़ती है, आपको थकान कम लगती है, वैसे आप टाइमिंग को बढ़ाओ, फिर आप जैसे आप 2 साल 3 साल के बाद में अगर आप कुछ अचीवमेंट करने चाहते हो, तो डिपेंड आपकी बॉडी पे, आपको कितना खाना खा सकते हो, कितना वर्कआउट कर सकते हो, टू आवर्स तक जा सकते हो आप लोग। और कितने साल के मतलब एज से हम जिम करना शुरू कर सकते हैं? जैसे बोलते 5 साल के बच्चे को भी आज तो लोग जिम में भेजते हैं, तो वो क्या सही है? नहीं, एक्चुअली ये थोड़ी ज़्यादती है कि छोटी उम्र के अंदर बॉडी बनाने के लिए बच्चे लोग जिम वगैरह जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी की मसल्स की प्रॉपर मैच्योरिटी होती है आफ्टर 18, तो उससे पहले अगर जिम तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, बट ये ज़रूर बोलूँगा कि बच्चे हो सके कोई भी एज हो उसको एथलेटिक थोड़ा ज़्यादा बनना चाहिए, रनिंग है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इसमें जाना चाहिए, उनको खेलना चाहिए, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उसके हिसाब से आपको जिम वगैरह जाना है, बट नॉर्मल वर्कआउट से आपको शुरू करना है। बहुत ही अच्छी बात है सर, आपने भी गोल्ड मेडल जीता है, तो भी वो भी आप शेयर करिए हमारे साथ। हाँ, मैंने बेंच प्रेस 150 kg का बेंच प्रेस किया है। अभी का तो किया है, लेकिन पहले जो किया है वो भी बताइए सर। मैं एक स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में मैं इंटरनेशनल भी खेला है मैंने, और इंटरनेशनल खेल के मैंने उसमें सिल्वर मेडल लिए हैं, और उसमें बेंच प्रेस 147 का बेंच प्रेस किया था, इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल किया था 67.5 kg, एंड हैकलिफ होता है जो सेम डेडलिफ्ट का एक न्यू वर्जन है, उसको हैकलिफ बोलते हैं, तो हैकलिफ में मैंने 265 kg लिफ्ट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और रिसेंटली मैं पावर लिफ्टिंग भी खेल रहा हूँ, बस मेरी टीम का सपोर्ट मुझे अच्छा मिल रहा है, और ये टीम की सपोर्ट की वजह से
मैं तो रिटायरमेंट के लिए सोच रहा हूँ कि बस मैं रिटायरमेंट ले लूँ, बच्चों के लिए कुछ करूँ, बट ये लोग बोलते सर आपको भी खेलना पड़ेगा क्योंकि आप खेलोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो बस इनको सपोर्ट करते करते मैंने भी खेल लिया और मैंने 150 kg का बेंच प्रेस लगा लिया और डेडलिफ्ट 230 kg का डेडलिफ्ट लगाया है, तो मेरे टीम का सपोर्ट मेरी तरफ ज़्यादा है। और यही चीज़ जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि अब मुझे तात सर का सपोर्ट मिला, तात सर का टेक्निक मिला है, बट एक्चुअली रियल ये नहीं है, तो बच्चे लोग थोड़ा मुझे अच्छा समझ रहे इसलिए महसूस, हाँ, बट रियल चीज़ ये है कि इनमें वो चीज़ सारी चीज़ थी, बस मैंने उनको बाहर निकाली है और उनको बताया कि सिर्फ आप इंटरनल कॉम्पिटिशन्स करने से बेहतर है आप बाहर जाना, बाहर देखो, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। गुजरात के अंदर अगर बच्चे लोग खेल रहे हैं, सूरत के अंदर बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे लोग, मैंने ये देखा है कि यहाँ तक बच्चे लोग, कुछ लोगों ने 190 kg का बेंच प्रेस किया है बट वो लोग इंडिया तक भी नहीं पहुंच पा रहे। 170 kg का बेंच प्रेस करके फिर भी इंडिया नहीं खेलने जा रहे क्योंकि उनको इंडिया खेलने जाने के लिए शायद उनके पास उतना वो पैसा नहीं है या उनको वे ही नहीं पता है कि वो हम लोग इतना आगे कैसे जाएंगे। तो बस यही कि हमने ये एक नया एक एसोसिएशन हम लोग एफिलेटेड हुए हैं और मैं खुद इस साउथ गुजरात स्पोर्ट पावरलिफ्टिंग स्पोर्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैंने इनसे साइन अप किया है। तो बस यही कोशिश करके मैंने इनसे साइन अप किया कि न्यू बच्चे जो है उनको कोशिश ये करा जाए कि आप इंडिया तक जाओ, इंटरनेशनल तक जाओ, वर्ल्ड तक खेलने जाओ इसके अंदर, ताकि जब आप ये चीज़ खेलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलेगी और आपका सोर्स ऑफ अर्निंग ये बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है सर, आपको भी कांग्रेचुलेशन है, थैंक यू सो मच, बहुत बधाई हमारे चैनल के द्वारा। और लास्ट में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बस यही चीज़ कि आप अपने आप पे बिलीव करो, खुश रहना, सबसे ज़्यादा चीज़ है कि ट्रेन योर माइंड, देन ट्रेन योर बॉडी, देन ट्रेन योर मसल्स। सबसे पहले अपने आप दिमाग को आपको ट्रेन करना है, आपको गुस्सा नहीं होना है, चिड़चिड़ेपन में नहीं रहना है, अपने आप को काफ़ी शांत रखना है, जिम जाओ, अच्छे से अच्छा खाना खाओ, बहुत अच्छा खाना खाओ, गंदी चीज़ों से दूर रहो, गंदे खानों से दूर रहो, गंदी बातों से दूर रहो, अपने आप को जितना हो सके उतना अपने आप को क्लीन रखो। जितना आप क्लीन रहोगे उतना आप सक्सेस जल्दी से जल्दी पाओगे और अच्छे ट्रेनर, अच्छे गाइडेंस के अंडर आपको ट्रेन होना है और सक्सेस जाना है। और अगर ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको ये कोशिश ये देखना है कि आपका ट्रेनर वेल एजुकेटेड होना चाहिए, वेल ट्रेन एंड वेल एजुकेटेड दोनों होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा सा अचीवमेंट आपको मिलेगा और सही गाइडेंस विदाउट इंजरी आप बहुत आगे तक जा सकते हो। तो आगे अभी आपने ये सब तो अचीव कर ही लिया है, मेडल जीत लिए है, लेकिन अभी इसके बाद आप क्या करना चाहोगे और क्या आपका विचार है? अभी हम लोग इंडिया खेल के तो आए हैं बट आगे अपॉर्चुनिटी मिली है अकबर भाई और नाजिया मैम को मिली है इंटरनेशनल खेलने जाने के लिए, इनका सिलेक्शन भी हो गया है USA में, बट जैसे कि इनका फीस जो है वो मोर देन 3 lakh है, तो अभी हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि इनकी जो फीस है हम लोग कहाँ से कलेक्ट करके भर सकें। बिल्कुल, उसी के लिए तो हम हमारे चैनल के द्वारा बोलेंगे कि जो ऐसे मतलब जिनके पास टैलेंट है उनको आगे बढ़ाने के लिए, हमारा सूरत इतना बड़ा है और सूरत में लोग आके बस जाते हैं, ऐसा सूरत है, तो वहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाएगा ऐसा हम सोचते हैं। अगर कोई हेल्प कर सकते हैं या तो कोई स्पॉन्सर्स मिल सकता है तो ज़रूर आप जा सकते हैं, क्योंकि दर्शक मित्र मैं यही कहना चाहूँगी कि टैलेंट तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन आजकल का जो जनरेशन, आजकल का जो फाइनेंशियल पार्ट जहाँ पे आता है, पैसों की बात जहाँ पे आती है, वहाँ सब रुक जाता है। तो ऐसे टैलेंट जिनके पास है उनको हम ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, तो हमारी तरफ से तो हम ज़रूर उनको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे सर, लेकिन अगर आप भी कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर से हमारे ये जो सर है ताजुद्दीन सर, उनको आप कांटेक्ट करिएगा और ऐसे जो दो चैंपियन बने हैं और उनको USA में सिलेक्ट किया गया है, तो उनको वहाँ जाने के लिए अगर कोई स्पॉन्सर्स कर देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सर आपको अगर करना है कांटेक्ट तो कैसे करें वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ साउथ गुजरात स्पोर्ट, साउथ गुजरात पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट एसोसिएशन, ये आप फेसबुक पे आप करोगे तो इसका पूरा लिंक आपको मिल जाएगा, फिर भी आप अगर चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर लिख सकते हैं,
9999074699। आई रिपीट अगेन, 9999074699। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और वापस एक बार आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, और बहुत ही आगे बढ़े और आगे ऐसे ही को अच्छा सा कुछ जीत के आए और हमारे चैनल पे आए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।